ये देखिए, इसी तरह से ये डिज़ाइन आगे बनता जाएगा। आप बनाइए और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये वाला पैटर्न लिख के आई हूँ। ये आप लेडीज़ जैकेट पे, कार्डिगन पे, लॉन्ग स्वेटर पे, जेंट स्वेटर पे, बेबी स्वेटर पे, किसी पर भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन और बनाने में एकदम ऐसे उल्टी तरफ से कुछ ऐसा दिखाई देता है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप देखते रहे नए अच्छे नए डिज़ाइन। अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी इंजॉय कर सकें। तो आइए बना के बताते हैं कैसे बना है। इसके लिए हमें 6 के मल्टीपल में डबल क्रोशिया चाहिए। तो यहाँ हम 6 के मल्टीपल में चेन बना लेते हैं। 6 के मल्टीपल में चेन बना ली है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चेन करके दो चेन करेंगे और तीसरी चेन में आ जाएंगे, और एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे और एक बेसिक रो तैयार कर लेंगे, जैसा कि हम हर डिज़ाइन में करते हैं बेसिक रो तैयार। अगर आप कोई बॉर्डर वगैरह नीचे बना रहे हो तो बेसिक रो बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिना बेसिक रो के बॉर्डर के ऊपर आप डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, बेसिक रो तैयार कर लिए है। अब फ्रेंड्स, डिज़ाइन हमने राइट साइड से शुरू करना है, इसलिए हम एक चेन करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया की रो बना लेंगे यहाँ पे। एक एक स्टिच में एक एक डबल सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, 1 2 3 तीन स्टिच छोड़ के चौथे में आ जाएंगे। 1
तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ डबल क्रोशिया बनाए हैं हमने सेम पोस्ट पे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, एक, दो और तीन तीसरे पे ऐसे टक्कर लेंगे। इसके बाद एक दो छोड़ेंगे, तीसरे में आ जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ डबल क्रोशिया, एक दो छोड़ेंगे और तीसरे में टक्कर लेंगे, फिर से दो स्टिच छोड़ेंगे, तीसरे में आ जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। और यहाँ दो स्टिच छोड़ेंगे, तीसरे में टक कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो बन गई है। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने दो चेन करनी है। और देखिए ये एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोशिया इधर से उठा के बनाए। उसके बाद फ्रेंड्स ये दूसरी तरफ से उठा के बनाना है, एक, दो, दो स्टिच हमने उस तरफ से उठा के बनाए फ्रंट की तरफ से। अब फिर तीन स्टिच हमने इधर से बनाने हैं, एक, दो, तीन। अब फ्रेंड्स यहां पर आ जाएंगे, एक, दो, तीन। अब दूसरी तरफ से उठा के बनाएंगे ऐसे, एक, दो। अब फिर तीन स्टिच इस तरफ से, एक, दो, तीन। फिर तीन स्टिच यहाँ से, एक, दो, तीन, एक, दो, एक, दो, तीन। अब एक स्टिच हमने ऐसे लगा लेना है यहाँ से। नेक्स्ट रो पे आगे यहाँ फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर आ जाना है सीधा हमने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ स्टिच बनाएंगे। और अब ये तीन स्टिच छोड़ के इसको यहाँ पे हमने ऐसे टक कर लिया। यहाँ से ये जो दो स्टिच इस तरफ से उठा के बनाए हैं, इसके अंदर हमने आठ स्टिच बनाने हैं, दो, तीन, चार,
पांच, सात, आठ, यहां तक कर लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, अब इसको यहाँ लास्ट में टक कर लेंगे। नेक्स्ट रो पे आ गए। नेक्स्ट रो पे देखिए, इस तरह से दो चेन कर लेंगे और ये स्टिच उठा के बनाएंगे। एक, दो, तीन, दो स्टिच इस तरफ से उठा के बनाने हैं ऐसे। एक, दो, अब तीन स्टिच इस तरफ से उठा के बनाने हैं, जैसे हमने पीछे सेकंड रो बनाई थी डिजाइन की, सेम वही रो बन रही है यहाँ पर। ये देखिए, इसी तरह से ये डिज़ाइन आगे बनता जाएगा। आप बनाइए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।